हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज है जुमा, आप सभी को मेरे तरफ से जुमा मुबारक। हाँ, मोर बोचों को चोई को आई हो ये लोग, पता नहीं यार, एकदम आउट गोइंग हो गए ले लोग, फ्री हो गए ले, रिचार्ज लोग फ्री है दिन भर। और शबाना कर रही है, झाड़ू मार रही है और बना रही है खाना। आओ गाइस, आओ आओ गाइस, सलाम दुआ करो पहले। अस्सलाम वालेकुम। अब बोलो क्या परेशानी है तुम्हारी? आतिफ की परेशान। आतिफ परेशान कर रहा है? मेरे बेटे को कितना पौधा लगा दिया, उड़ा दे तो आतिफ। तो गाइस, आतिफ कुछ बोलना चाह रहा है आप लोगों से, आप लोग जरूर गौर से सुनिए और मतलब बताइए कि क्या बोलना चाह रहा है। आओ आतिफ, आओ सुनिए, आओ। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे मेरे बेटा? ये देखो क्या बोल रहे। हाँ, और जॉनी जॉनी भैया बस बैठते राउंड एंड राउंड, कैसे बताती? हाँ, कितनी पौड़ी? हाँ, देखी था। तो गाइस, ये बहुत मस्ती करने लग गया है बटला। बटला किसी की नहीं सुनता है, बटला किसी के पावर में नहीं आता है, बटला खुद से लड़ता है, खुद से खेलता है, खुद से खेलता है और सबको मारता है। हसन को तो ऐसा मारता है, ऐसा मारता है कि क्या बोलूं। हसन टच जाता है, हसन इससे टच जाता है, हसन रो जाता है। मेरा बेटा ऐसे सब ठसते घर में, मेरे को भी ठसा देता है, सबाना को भी ठसा देता है और हसन तो सबसे ज्यादा हसन को ठसाता है। कचरे में ही जाके बैठ। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी खाना खाने के लिए और मैं जा रहा हूँ काम पे, फटाफट मिलते हैं शाम में। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आप सभी को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। सलाम करो, सलाम। मैं इतना लेट वेलकम कर रही हूँ क्योंकि मैं काम वाम में थोड़ा बिजी थी, फिर खाना वाना खा कर उन्हें सताने लग गया तो फिर थोड़ा सा सो गई थी इसको लेके। हाँ, और हसनैन बेटा मेरे चले गए ट्यूशन, छोटू भाई आए थे लेकर गए इसको ट्यूशन, और हसनैन के अब्बा भी काम पे है। अब ये कपड़े पहना ना तो बोलता मेरे को घुमाने लेके चलो, बताओ इनका अलग अलग नाटक रहता। देखो कहाँ गया ये, इधर इन लोगों को कपड़े पहना तो घुमाने लेके चल रही क्या, नहीं तो घर में फिर वैसे ही रहो विदाउट चड्डी। तो नैन तो मेरा सो रहा है अभी, तो मैं जा रही हूँ अभी आतिफ के लिए थोड़ा सा नल्ली फ्राई करती हूँ क्योंकि वो कपड़ा पहनने के बाद में ना चलो हमको घुमाने के लिए ऐसा करते बच्चे, तो मैंने सोची कि नल्ली है घर पे रखी ली तो थोड़ा सा उसको फ्राई करके दे देती हूँ, रोएगा नहीं अभी, मैं तो फिर बहुत रोएगा, उसके अब्बा भी है ही नहीं अभी। तो गाइस, मैं इधर पहले थोड़ा सा मेरा कैमरा सेट करूँ, फिर मैं नल्ली फ्राई करने में लगती हूँ, है ना। नल्ली फ्राई करती हूँ इसके लिए, इसको कहाँ रखूँ? अरे रुको ना बेटा, नल्ली फ्राई कर देती हूँ फटाफट, थोड़ा सा खाएंगे ना तुम? नल्ली फ्राई करने करूँ? अरे देखो मैं ये वाली नल्ली फ्राई करूंगी, एक लो, ये देखो ये वाली नल्ली फ्राई करने जा रही हूँ, आप लोग को दिख रही है, फ्राई करती। अरे बेटा कच्ची वो पेट दुखेगा, वैसा नहीं खाते। एक मिनट हाँ गाइस, मैं पहले गरम कर लूँ फिर मिलती हूँ। तो देखो अभी मैं 2 मिनट पहले बोल रही थी ना, हुनैन पापा मेरे सो रहे हैं, हुनैन पापा मेरे उठ के बैठ गए, ऐसे काम के टाइम पे उठते, देखो जरा काम करने नहीं जाओ तो आ जाते पहले ही। सोची बच्चों को थोड़ा नल्ली फ्राई करके दे दूं, रो रहा है वो बाहर जाने के लिए, कब से बोल रहा है। तो नहीं, ये बच्चे सुधरने वाले नहीं है, ऐसी चे है ना हुन्नू, मेरा हुन्नू भी बड़ा हो जाएगा तो नल्ली खाएगा, बिस्किट खाएगा, सब खाएगा मेरा बेटा, है ना बिट्टू। इसका जो पकड़ने वाला था ना जाली, वो जो टूट गया, तो मैं ऐसे वन साइड से ही निकाल लेती हूँ। भाई हम जुगाड़ी माओ में, हम सब में जुगाड़ कर लेते हैं। तेल गरम होएगा, इसके बाद में मैं इसको फ्राई करती हूँ।
तब तक के लिए इसको हाय वन्नू, वन्नू हाय कर दो। हाय, मैं छोके उठ गया हूँ। अरे तुम कहाँ देख रही, इधर आओ। हाँ चलो, जब तक तेल गरम हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं और हन्नू थोड़ा सा बात कर लेते। छोके उठा तो कैसा दिख रहा रे तू, जंगली कैसा दिख रहा रे तू, हाँ कैसा दिख रहा हंस के दिखा दे रहा, तेरा गंदा मुंह कैसा डाल रहा, हंस छोके उठा तो कितना क्यूट दिखता ना मेरा बेटा, मजाक कर रही हूँ, ऐसे भी कुछ भी बोलते रहती, कितना क्यूट है मेरा बेटा। इधर देखो, ये देखो राजा बेटा मेरा, राजा बेटा, आई लव यू, आई लव यू। कौन है हुन्नू? ये दो दो हुनैन कहाँ से आ गए, एक इधर है एक कैमरे में है। हाँ हुन्नू, गोला, ये मेरा गोला गप्पा, ये मेरा गोला गप्पा, ये मेरा गप्पा गप्पा, ये मेरा गोला गप्पा। एक हाथ से पकड़ी उसको, देखो कैसा देखती हूँ इसको, ये मेरा गोला गप्पा, ये मेरा गोला गप्पा, धड़म धड़म धड़म, है ना। तो गाइस मैं तो यहाँ भी नल्ली फ्राई करने आ गई, तेल मेरा मस्त अच्छा गरम हो गया। अरे मेरा बच्चा आ रही है लाला, ये बच्चे ना काम के टाइम पे क्यों रोते मेरे समझ में नहीं आता। ओ काम के टाइम पे रोते, खाने के टाइम पे रोते, यार बच्चे है ना, क्या करेंगे, उनको बोलने भी नहीं आता ना कि हमको क्या हो रहा, हमको नाश्ता होना या खाना चाहिए, क्या चाहिए मालूम ही नहीं पड़ता है। तड़कते भड़कते तेल में भड़कती हुई नल्ली, ओ माय गॉड। ये देखो देखो ऐसा करके निकाल लेती हूँ मैं, देखिए तो यहाँ हो गई फ्राई करके नल्ली, थोड़ा सा फ्राई करी मैं और हाथ। हाँ हुनैन खाएंगे मजा आएगा, अरे सॉरी आतिफ खाएगा मेरा, ये गरम है बेटा। हाँ आराम आराम से खाना, ठीक है, हाँ आराम से खाना, ठीक है, औच, हाँ ठीक है खाओ, ये अच्छा है, गरम है अभी थोड़ा सा गरम है बेटा, ठंडी नल्ली जो रहेगी वो लो, ये देखो ये ठंडी हो गई है, ये ले लो बेटू, खाओ खाओ। इनको तो भैया क्या है, क्या चाहिए तुमको, हाँ बेटू क्या चाहिए मम्मा को, चो ना आग दिख 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 आग दिख 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 पटक 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 पटक, मेरा पटाका है तू। तो बस शाम के टाइम पे नल्ली खा के मजा गए, बस ने इनके पास आए नहीं है, वो आएंगे तो फिर दूध लेकर आएंगे, फिर हम चाय बनाएंगे, फिर चाय पार्टी भी करेंगे। 7:30 होने आ गया, अभी तक आए नहीं बताओ, तो मैं इसलिए बच्चे को नल्ली फ्राई करके दे दी। गैस मैं जब तक ये साइड आई हूँ ना यार, यहाँ ना कोई भाजी मिलती है ना कुछ सामान मिलता है, आज समझ लो नहीं 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 बोल के बिना 3 महीने से मेरा गैस खराब हो गया है, एक चूल्हा पूरा खराब हो गया, एक चूल्हे में खाना बनाना पड़ता है मेरे को, स्टेप बाय स्टेप खाना बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ, फिर भाजी बनाओ, फिर ये बनाओ, एक एक चीज बनाते बनाते मेरा इतना टाइम हो जाता है ना, दिमाग खराब हो गया। तो वहाँ पीछे ना भाजी वाला आया तो पता चलता था, मिक्सर और ये रिपेयरिंग वाला कोई भी आता तो पता, यहाँ तो गली में कोने में आ गई ना, जब से मेरी बहुत भजियत हो गई सही में। घर माशाल्लाह अच्छा है, गली अच्छी है, गली वाले अच्छे हैं, सब कुछ यहाँ बेहतर है, सब कुछ ठीक है, बस जो बिकने बिकने वाले सामान आते हैं ना वो यहाँ दिखते ही नहीं है। अब वो गैस लेके जाने का है बनाने के लिए, बनता नहीं बनता क्या मालूम, पूरा पूरा खराब हो गया, जल रहा ही नहीं, वो टस से मस नहीं खा रहा, पूरा अंदर से लेके पूरा साफ कर दी, सब कर दी, सब लाख मेरे कुछ गया, हाँ सब कुछ पूरा सफाई वफाई कर दी, इसको देखो पूरा सफाई वफाई कर दी फिर भी नहीं चालू हो रहा, और दूसरा वाला एक ही गैस चालू है, मेरे ना बहुत फजीयत हो जाती है, अभी एक बार चाय बनाओ, एक बार चावल बनाओ, एक बार दाल बनाओ, एक बार भाजी बनाओ, करते 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 मेरे को 11-12 बज जाता है, इसी हमारा कोई मुहूर्त नहीं है काम करने का, हम कभी भी करते, हम अपने मर्जी के मालिक है। फोकट की हंसी खाए तो नहीं आ रही, फिर भी कर रही हूँ।
ये देखो इसको गौर से, ये है मेरा बेटा। कैमरा में देखो कर रहा है। चलो और गाइस मैं आप लोग से अभी मेरे अब्बा की बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। मैं आप लोग को बोली थी ना मैं बताऊंगी। सब लोग को ये दिन तो कोई नहीं भूला रहेगा जब लगा था नोटबंदी। नोटबंदी तो अच्छे को याद होगी, है ना गाइस? अमीर को, गरीब को, सबको याद है जब नोटबंदी हुई थी तो लोग कैसे दीवाने हो गए थे। अपने नोट चेंज करने के लिए बैंक भागते थे, किसी के पास था तो किसी के पास नहीं था, जिनके पास में थोड़ा मोड़ा भी था, जिसके पास बहुत ज्यादा था तो कैसे बैंक में भागते थे, मतलब चेंज कराने के लिए। फिर नई नोट चालू हुई, फिर उसके बाद में क्या एक्साइटेड था वो सब कुछ को लेके, और उससे रिलेटिव लेकर मैं अपने अब्बा की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आप लोगों को सुन के शायद अच्छा लगेगा। मैं भी शेयर करूंगी। थोड़ा सा नल्ली खा लूँ यार, एक हाथ से कैमरा पकड़ी एक हाथ से बच्चा, कैसे खाऊंगी नल्ली? खा लेने तो थोड़ा सा आ रही। तो गैस नल्ली खाने के लिए मैं गई, सोची दो चार पीस खा लूँ यार, भड़क गया मेरा बच्चा मेरे ऊपर। खाने नहीं दे रहा है। देखो डेमो दिखाओ, आप लोग का यकीन है। हुनैन, अरे सॉरी हुनैन का दिन भर हुनैन हुनैन करते करते ना अपने बाकी बच्चों का नाम लेना भूल गई हूँ। आतिफ, ए देखो आतो आतो मैं खा लू, आतो मैं खा लू, मैं खाऊ। अरे बड़े बदतमीज है यार, बेइज्जती कर देते हैं बच्चे। खैर कोई नहीं, छोड़ो बच्चा खा रहा है खाने दो। तो मैं आप लोग से एक बात बताती हूँ गाइस, जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद में जब नई नोट आना चालू हुई तो मतलब कैसे बहुत लोग एक्साइटेड थे, अरे 50 की नोट कैसे दिखती है, 20 की नोट, 500 की नोट और 2000 की नोट, पहले उस टाइम पे कितने चर्चे चल रहे थे मतलब नोटों के, और किसी के पास में आ गया तो भाई दिखाना कैसी दिखती है। 20 की नोट ले, 20 की नोट लोग फोन के पीछे लगाते थे और मतलब अरे मेरे पास तो 20 की नोट है, नई नोट आई है, 50 की नोट, 500 की नोट, ऐसे करके मतलब कितना एक्साइटेड बनता ना उस टाइम पे। आप लोगों के भी साथ में हुआ रहेगा, हमारे साथ में तो हुआ है। तो हम लोग ऐसे किसके भी पास आता था, एक बार बताना, अरे कैसी दिखती है, अरे वाह ऐसा वैसा, मतलब थोड़ा सा एक्साइटेड पन उस टाइम पे। हाँ इसको भी था। तो कितना एक्साइटेड था ना। तो मेरे अब्बा जब काम पे गए तो उस टाइम पे फर्स्ट नोट मेरे घर में आई थी, पहली नोट जब मेरे घर में एंट्री करी थी अब्बा के जेब में, तो वो थी 500 की नोट। और उस दिन मेरे अब्बा इतना खुश थे क्योंकि एक सेठ ने अब्बा को दिया था, अब्बा मेरे काम पे गए थे तो एक सेठ ने दिया था मेरे अब्बा को, तो पहली बार मेरे घर में वो नोट आई थी। नहीं तो उसके पहले मतलब कोई भी ऐसी नोट नहीं आई थी, 20 की 50 की ऐसी कोई भी नोट नहीं। फर्स्ट नोट जो मेरे घर में एंट्री मारी थी अभी बता रही, वो 500 की नोट थी। मेरे अब्बा इतना खुश थे मेरे अब्बा उस टाइम पे कि पहला नोट मिला है नोटबंदी के बाद में। जब नोट आई तो वो नोट अब्बा के पास आई थी, फर्स्ट नोट 500 की थी, और अब्बा आए इतना खुशी एक्साइटेड में आए, सबको बुलाए, अम्मी भाई मेरे को, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, अम्मी को, भाभी को, भाई को, सबको बुलाया, बोले तुम लोग को कुछ ऐसी चीज दिखाता हूँ, तुम लोग सब लोग आओ। आए अब्बा, मस्त पानी वानी पिए, कपड़ा वपड़ा चेंज करके बैठे, बैठने के बाद में बोले तुम लोग को कुछ दिखाता हूँ। जब वो 500 का नोट दिखाए ना, बोलते पहली बार ये नोट हमारे हाथ लगी है। 150 की तो कभी कभार मिल जाती थी, 100 की कभी, 20 की ऐसे कभी कभार मिल जाती थी, उसके लिए भी एक्साइटेड रहता था। फर्स्ट नोट 500 की जब आई थी ना गाइस, अम्मी भाई भाभी मैं मेरा छोटा भाई बड़ी बहन सब लोग, हम लोग जितने भी लोग थे उस टाइमिंग पे घर में, सब लोग ने चेक किए नोट, अरे वाह वाह ये वो, मतलब बहुत खुशी थी उस टाइम पे, अलग ही खुशी थी। तो जब वो नोट जब मेरे हाथ में आई, अब मेरी अभी भी आदत है मेरे पास में या दो चार नोट ज्यादा रहती है जैसे पैसे रहते, तो मेरी एक भी नोट रहे चाहे दो नोट रहे चाहे चार नोट रहे, मेरी आदत है मैं सीरियल नंबर पहले देखती हूँ कि घर में, मतलब वो नंबर क्या, मेरे को आदत है हर नंबर देखने की, मेरा अभी भी है। अभी भी आसन के अब मुझे पगार ला कर देखते है ना, तो मैं इसमें पहले नंबर देखती हूँ, मेरी आदत है ये, मेरी बहुत मतलब क्या आदत है मालूम नहीं, छोड़ो। तो मेरी आदत है नंबर में नोट देखने, नोट में नंबर देखने की, सॉरी देखने के आ गए थे। जब मेरे हाथ में वो नोट आई ना तो मैंने भी देखी, हाँ अब्बा कलर ऐसा है ये वो, अरे बेटा फर्स्ट नोट मिली और अलग ही खुशी थी घर में ये वो। जब मैं नंबर पे मेरा नजर गया ना तो मैंने देखी 786 फर्स्ट नोट थी वो अब्बा के पास में, 786 की अब्बा को मिली। अब्बा तुम लोग ने सबने नोट देख लिए, एक चीज तो तुमने देखी ही नहीं। बोले क्या बिटिया,
क्या बेटा, मेरा बाबा मुझे बिटिया बोलते थे, शायद तुम लोगों, बहुत लोगों, कम लोगों समझता है बिटिया। तो बिटिया मतलब बेटी, डॉटर, ठीक है। तो मुझे बोला क्या हुआ बिटिया, तो मैं बोली अब्बा देखो ये नोट पे तो 786 लिखा है। बोले क्या बात कर रहे, तो मैं बोली हाँ अब्बा, तब खुद भी देखे, सब लोग ने भी फिर उस टाइम पे वापस से देखे। तो वो जो खुशी थी, वो जो इनसे मतलब वो था फर्स्ट नोट घर में आने का 500 का, वो नोट आज भी मेरे अब्बा के एक कॉपी में आज भी रखा हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी एक्साइटेड बातें और अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने सोची पहले ये वाली बताऊं, क्योंकि ये मुझे बहुत एक्साइटेड वाली थी, क्योंकि उस समय बहुत लोग परेशान थे, नोट चेंज होता था, जब नोट लोगों के पास में आती थी तो कितना एक्साइटेड होता था। तो मैंने उसके वे पे ये बताई है, और वो नोट आज भी है, अल्लाह मेरा अब्बा तो नहीं है, पर वो नोट आज भी हमारे पास में एक बुक में रखी हुई है, उसका सीरियल नंबर 786 है। मैं कभी भी गोरेगांव जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी वो नोट, फर्स्ट नोट है वो मेरे अब्बा की, पहला। मेरे पति परमेश्वर आगे मैं जा रही हूँ। तो गैस थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, तो गैस वो नोट आज भी मेरे अब्बा की कॉपी में, जैसे मैंने बताई, रखा हुआ है। कभी ना कभी मैं इसको जरूर बताऊंगी आप लोगों को, दिखाऊंगी वो नोट लाइफ, वो नोट दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि वो फर्स्ट नोट थी और पहली नोट थी, बड़ी नोट 500 की जो घर में पहली बार आई थी, और 786 लिखा हुआ था जिसपे। हाँ शिल्पा, मेरा मन किस बात का? ऐसे मेरे को ना लगा लिया। क्या बोल के लगवाया? फिटनेस का इंजेक्शन लगा, बस बोले तुमने, फिटनेस का इंजेक्शन लगाओ बोले, दो की तो दिखती थी, तीसरे की भी दिखा रहे। अरे 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 तो दिखाएंगे ना, अरे तो दिखाएंगे ना, चुप बैठो। तो गाइस ये कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना, और इंशाल्लाह मैं शेयर भी जरूर करूंगी आप लोगों से। तो वो नोट मेरे अब्बा ने कभी खर्चा नहीं किए, बोले बेटा हाँ वो नोट आज भी मेरे घर पे है। इनके पास में पुरानी नोटे है और चिल्लर है और कॉइन्स वगैरह बहुत सारे कुछ है इनके पास। मैं नोटबंदी और नई नोट के रिलेटिव पे कुछ बता रही थी, जो वो नोट आज भी मेरे अब्बा के पास में अभी है। अब्बा मेरा नहीं है, पर वो नोट आज भी एक कॉपी में रखा हुआ है। वो मेरा अब्बा ने कभी वो नोट को खर्चा नहीं किया, चाहे घर में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो नोट अभी भी रखी हुई है, समझे। तो कैसे लगे मेरे अब्बा की छोटी सी, मेरे मुंह से बताई हुई स्टोरी, मेरे होठों से बताई हुई स्टोरी कैसी लगी? और मैं अच्छी अच्छी स्टोरी अपने अब्बा की बताती रहूंगी। हम तो होठों से बोलते नहीं है, हम कहां से बोलते? आप लोग हलक से बोलते हैं ना, मैं होठ से बोलती हूँ, मेरे होठ इतने बड़े बड़े हैं ना, मैं होठ से बोलती हूँ। देखो मेरा होठ भी बोल रहा है, हलक से। तुम लोग हलक से बोलते हो, मैं होठ से बोलती हूँ, मेरा होठ बात करते हैं। देखो मेरे होठ बात करते हो, तुम लोग होठ से बात करते हो क्या? चलो गाइस, तो हंस दिन के अब आ गए, जैसे कि अब हम हंसेंगे, बनाएंगे दूध, और मेरे लिए बनाएंगे चाय। हसन के बगल लाएंगे दूध, हवाना धत तेरी माँ की। क्या कर रहा है हसन का अब्बा? कुछ भी बोलता है, पागल हो गया है कि हसन के अब्बा ने मुझे परेशान किए है, सताए। तो लाइफ पीटते हैं लाइफ। अभी आतिफ ने दो फटके देखे गया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो हसन के अब्बा क्या बोलना चाहेंगे? चलो इसको ले लो पहले, तुम्हें बताता हूँ। और बच्चा, हे गाइस आई एम कमिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट डे तो मैं उड़ गई सुबह में, मेरा थोड़ा बहुत काम वाम हो गया है, और हम कर रहे हैं पास्ता पार्टी। तो कल हसन के अब्बा ने टिकनेस का इंजेक्शन लगवा के लेकर आए ना, तो उनके ना पैर में ना दर्द हो रही थी, तो आज वो सुबह में लेट हो गया, काम पे नहीं जा पाए, बहुत पैर दर्द हो रहा था, तो मेरे रहने, तो अभी थोड़ा बर्फ से सेके वेके थोड़ा भी आराम है। तो मैं खा रही हूँ यहाँ पास्ता, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो हम खा रहे हैं पास्ता, अश्विन के अब्बा भी यहाँ खा रहे पास्ता। पास्ता पास्ता जो बैठी है।